दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर मेरी इस वीडियो पर नजर डालिए। मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था यहाँ पर 17 मई 2023 को, ठीक है। और देखिए ये वीडियो मेरी स्टार्टिंग में इसमें बिल्कुल ही कम व्यूज आ रहे थे। 1 जून तक इसमें सिर्फ 254 व्यूज हो पाए थे। 17 मई से 1 जून तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 254 व्यूज हुए थे। ये देखिए एकदम लाइन को, जो ये नीचे स्ट्रेट लाइन है इसको एकदम टच कर रही है, यहाँ पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे थे। स्टार्टिंग में बस दिन में 4-5 व्यूज ऐसे व्यूज इसमें आ रहे थे, लेकिन एकदम से फिर देखिए इस वीडियो का ग्राफ ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो का ग्राफ इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स करी है। ये वीडियो देखिए यहाँ से इसमें व्यूज आना स्टार्ट हुए हैं। 10 जून से इसमें व्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें 596 व्यूज 10 जून को आ गए थे। फिर यहाँ पर देखिए धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं, 7600 हो गए, ठीक है। और अभी इसमें देखिए अभी इस टाइम पे इसमें 1,39,000 व्यूज हो गए। और मैं अभी देखिए रिफ्रेश करूंगी, 1-2 व्यूज तो इसमें बढ़ी जाएंगे। ये देखिए 790 हो गए। आप यहाँ पर अपनी नजरों के सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सेकंड हर मिनट कुछ ना कुछ व्यूज बढ़ रहे हैं। अभी इस वीडियो में जैसे कि 1.3 लाख आपको व्यूज दिख रहे होंगे, हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पे 2 लाख व्यूज हो जाए। और ये मेरी वीडियो पक्का वायरल हो रही है, बहुत ही अच्छे से तगड़े से वायरल हो रही है। मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, बाद में जाके मैंने इसमें चेंजेस किए, उसके बाद में मेरी ये वीडियो अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट हुई। तो उन चेंजेस के बारे में मुझे कैसे पता चला, ये मुझे YT स्टूडियो से ही पता चला। उसकी कुछ हिडन सेटिंग्स होती है जिनके बारे में देखिए ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, तो उन सेटिंग्स से ही मुझे पता चला कि इस वीडियो में देखिए कुछ दिक्कत चल रही है। मतलब मुझे इस वीडियो में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर मुझे अपनी इस वीडियो को रैंक कराना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप यूट्यूब स्टूडियो की ही कुछ हिडन सेटिंग्स को ऑन करके अपने वीडियोज को किस तरीके से, जो वीडियो आपकी डेड चल रही है, आपको लगता है कि आपकी उन वीडियोज में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप उनमें कुछ चेंजेस करके कुछ सेटिंग्स को यहाँ पर ऑन करके अपनी वीडियो उसको अच्छे से परफॉर्म करा सकते हैं, आपकी वीडियो यहाँ पर रैंक कर सकती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख लीजिए कि मैं किस वीडियो के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो मैं ये बात कर रही हूँ इन शॉर्ट वीडियो एडिटर वाली जो मेरी वीडियो है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस वीडियो को 17 मई को अपलोड किया था और यहाँ पर इसका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट 11.1 है, काफी अच्छा है। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी यहाँ पर अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, वीडियो के कंपैरिजन में सही है। ऊपर की तरफ एरो जा रहा है यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा है। स्टार्टिंग में काफी खराब था लेकिन धीरे धीरे इसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पर अच्छा हुआ। तो आपको जो सेटिंग्स है जो यूट्यूब स्टूडियो में आपको मिल जाती है वो आप देखिए कैसे ऑन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आता है। अब सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, रिसर्च वाला जो ऑप्शन है, उसमें आपको देखिए यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्सप्लोर टॉपिक्स का। तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादातर लोग आपसे बात नहीं करते होंगे, वो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे इंक्रीज कर लें। तो ये सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी वीडियोज को यहाँ पर रैंक करा सकते हैं। तो मैंने यहीं से क्या किया था, मैंने इस वीडियो का जो टाइटल है, जो मैंने वीडियो पहले अपलोड की थी उसका मैंने यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया था। मैंने देखिए अपनी वीडियो का टाइटल इसलिए चेंज किया था क्योंकि पहले इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा बेकार था, एकदम ही डाउन चल रहा था। मैंने थंबनेल भी अपनी वीडियो की बदल दी थी और टाइटल भी यहाँ पर चेंज कर दिया था। टाइटल आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का टाइटल, किस तरीके का सर्च करते हैं लोग, तो यहाँ से आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। आप मान लीजिए आपकी वीडियो का कोई भी टॉपिक है, जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ थंबनेल से रिलेटेड कि थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं जो यूट्यूब पर लोग सर्च कर रहे हैं, यानी कि सर्च्ड ऑन यूट्यूब। ये टाइटल्स इस वीडियो का जो टॉपिक है थंबनेल कैसे बनाएं, इस पे इन टाइटल्स पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वाला क्या है यहाँ पर, हाउ टू मेक अ थंबनेल फॉर यूट्यूब। दूसरा है यहाँ पर, हाउ डू यू मेक अ थंबनेल फॉर यूट्यूब, हाउ टू मेक अ गुड थंबनेल फॉर यूट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वीडियो भी आपको यहाँ पर कुछ सजेस्ट कर दी गई है कि इस तरीके का टाइटल आप रख सकते हैं। तो यहीं से देख करके मैंने अपनी वीडियो का जो टाइटल है उसको चेंज किया था। मैंने यहाँ पर इनशॉर्ट से रिलेटेड सर्च करके देखा था तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ टाइटल्स यहाँ पर सजेस्ट हो गए थे। फिर मैंने अपनी वीडियो का जो टाइटल है, पहले जो मैंने रखा था उसको मैंने चेंज करके दूसरा टाइटल यहाँ पर रख दिया था। और टाइटल चेंज करने के बाद में वीडियो का जो रिस्पॉन्स था वो काफी अच्छा हो रहा था, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट भी यहाँ पर मेरी वीडियो का बढ़ने लगा था। तो आपकी वीडियो का जो भी टाइटल है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके के जो टाइटल है वो यूट्यूब पर लोग सर्च कर रहे हैं। जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो मिल जाती है। ये देखिए हिडन सेटिंग्स होती है, यानी कि कुछ खुफिया टाइप की सेटिंग्स होती है, इनके बारे में ज्यादातर यूट्यूबर्स, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो ये एक पहली सेटिंग है जो आपको यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में मिल जाती है।
इसके बाद में आपको यहाँ पर दो सेटिंग्स और मिल जाती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना है सीधा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होकर के आएगा। अब ऊपर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, की मूवमेंट फॉर ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि आपकी वीडियोज जो यहाँ पर काफी सारी वीडियोज आपको दिख रही होंगी, इन वीडियोज पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। यहाँ पर टॉप मूवमेंट्स में भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ वीडियोज नजर आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, देखिए ये सारी वीडियोज हैं, इनमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इससे आपको ये फायदा होता है कि इन वीडियोज पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इन टॉपिक्स पर आप यहाँ पर रिपीट में वीडियोज बनाइए अपने चैनल पर। यानी कि जैसे एक आपने वीडियो बनाई, उस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर उस टॉपिक पर आप दूसरी वीडियो भी बना सकते हैं, उसमें आप कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। रिपीट में उन टॉपिक्स पर आप वीडियो बनाइए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यूट्यूब स्टूडियो की जो ये वाली सेटिंग है, इसको भी आप अच्छे से यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने भी इसी सेटिंग को यूज करके जो ये इनशॉट ऐप की दूसरी वीडियो बनाई है, मैंने पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाई थी, 2 साल से ज्यादा हो गया लगभग, तब मैंने इसी सेम टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसका टॉप मूवमेंट वगैरह काफी ज्यादा अच्छा था, यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन वगैरह काफी अच्छा था। तो मैंने रिपीट में फिर से उसी टॉपिक पर, सेम टॉपिक पर वीडियो बनाई और मैंने इनशॉट ऐप पर और भी वीडियोज बना रखी है जिनमें मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पर आप अपने चैनल के हिसाब से देखिएगा कि आपके चैनल यहाँ पर कौन कौन सी वीडियो शो कर रहा है, ठीक है। उन टॉपिक्स पर आप दोबारा से वीडियो जरूर बनाइएगा। और देखिए यहाँ पर इंट्रोज वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, इस पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अबाउट टिपिकल इंट्रोज, यानी कि लोग हमारी वीडियो को इंट्रो से ज्यादा देख रहे हैं। जैसे कि इसमें 71% हो गया, 58%, 54%, 53%, इस तरीके से यहाँ पर मेरी वीडियो को वॉच किया जा रहा है, इतना परसेंट लोगों ने यहाँ पर वीडियो को वॉच किया है, ठीक है। तो यानी कि लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इन टॉपिक्स पर जो भी आपके चैनल पर यहाँ पर वीडियो शो होंगे उन टॉपिक्स पर आप रिपीट में वीडियो बनाइए, एक से ज्यादा आप वीडियो बनाइए। यानी कि अगर आपकी एक वीडियो यहाँ पर आपको नजर आ रही है तो आप उस टॉपिक पर और भी वीडियो बना सकते हैं, यानी कि उसी सेम टॉपिक पर यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वीडियो की एडिटिंग और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आपकी यहाँ पर कौन कौन सी वीडियो शो हो रही है। तो ये वाली भी यहाँ पर आपको हिडन सेटिंग मिल जाती है जो कि आपको YT स्टूडियो में ही देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारी तीसरे नंबर की हिडन सेटिंग है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है ऑडियंस वाले ऑप्शन में, ठीक है। सीधा आपको यहाँ पर ऊपर से ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाना है और इसमें भी आपको एकदम यहाँ पर देखिए लास्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिल जाता है, फॉर्मेट्स दैट योर व्यूअर्स वॉच ऑन YouTube, ठीक है। इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलती है। पहला तो है यहाँ पर वीडियोज, यानी कि लॉन्ग वीडियो का दिखाया गया है, तो इसमें मेरे में देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पर्पल है, शॉर्ट वाला भी पूरा पर्पल है, लेकिन जो लाइव वाला है उसमें देखिए लास्ट वाले जो 2 डब्बे हैं वो यहाँ पर खाली हैं, उसमें पर्पल कलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि लॉन्ग वीडियोस मेरे चैनल पर काफी देखी जाती हैं, शॉर्ट वीडियोस भी देखी जाती हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में लाइव मेरे चैनल पर काफी कम देखी जाती है। तो आप यहाँ पर अपने चैनल के हिसाब से चेक करिएगा। तो अगर देखिए आपके चैनल पर यहाँ पर लॉन्ग वीडियो वाले फॉर्मेट में यहाँ पर 1-2 डब्बे खाली हो और शॉर्ट वाला पूरा फिल हो, लाइव वाला भी पूरा फिल हो, तो आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज अपलोड करिए ज्यादा से ज्यादा, लाइव भी आप ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके जो चैनल है उस पर जो ऑडियंस है वो क्या चीजें ज्यादा देखना पसंद करती है। तो मेरे चैनल पर तो यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस भी और शॉर्ट वीडियोस दोनों ही यहाँ पर चल रही हैं, दोनों ही टाइप की वीडियोस लोग देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने चैनल के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये वाली सेटिंग से भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होता है। अगर मान लीजिए आपने कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है और उनपे आपको यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट वाला ज्यादा से ज्यादा पर्पल यहाँ पर दिखाएगा, और लॉन्ग वीडियो में अगर आपको कम रिस्पॉन्स मिला होगा तो लॉन्ग वाला यहाँ पर कम पर्पल होगा, ठीक है। तो आप पहले कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करके चेक करिए, कुछ लॉन्ग वीडियोस भी आप अपलोड करिए, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर चेक करिए कि आपके में किस तरीके का शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर YouTube स्टूडियो में ये 3 सेटिंग्स मिल जाती हैं, आप इनको अपने चैनल पर अप्लाई करके देखिए, लागू करके देखिए, आपको जरूर से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक बोनस सेटिंग भी बता देती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, चैनल्स दैट योर ऑडियंस वॉचेस, तो आपकी जो ऑडियंस है यानी कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो किस तरीके के चैनल को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर यानी कि इन यूट्यूबर्स की जो वीडियो है उनको आपकी ऑडियंस, आपके सब्सक्राइबर्स देखना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर इनके चैनल्स को भी एक बार चेक करिएगा जरूर से कि ये लोग किस तरीके की वीडियो बनाते हैं, फिर आप उस तरीके के वीडियोज के टॉपिक्स को भी अपने चैनल पर कवर कर सकते हैं, उन टॉपिक्स पर भी आप वीडियो बना सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो इनके चैनल्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं,
करते हैं, इनके चैनल को वॉच करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप अपनी वीडियोस को सही तरीके से अपलोड नहीं करते हैं, अगर आप वीडियो को अपलोड करने में ही मिस्टेक कर देते हैं, तभी भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को किस तरीके से अपलोड करना है, अपनी वीडियो में टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन ये आपको कैसे लगाने हैं, इन दोनों टॉपिक्स पर ही मैंने वीडियो बनाई है। तो आप मेरी इन वीडियोस को जरूर से वॉच करें। सो मिलती हूँ मैं आपको इन्हीं वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।